से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज तक ने परमवीर सिंह से की बात, उन्होंने कहा वो इस समय चंडीगढ़ में है, जल्द मुंबई जाएंगे, जांच में शामिल होंगे। सीधे चलते मेरे सहयोगी साहिल जोशी के पास। साहिल, और क्या बात हुई और क्या कहा, जो आरोप उन पर लगे हैं, जो मामले उन पर दर्ज हैं? देखिए गौरव, सबसे पहले तो उनको सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल चुका है। जो मुंबई और ठाणे में उनके खिलाफ 5 केसेस दर्ज है और उसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की जो ओपन इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हुई है, इन सारे केसेस में उनको फिलहाल अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिला है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह भी कहा था कि 6 दिसंबर के पहले वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, यह बात भी उन्होंने करी थी। क्योंकि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटिशन पे महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को अपना फाइल करना है, तो उससे पहले परमवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है मैं इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हूंगा, इस जांच में सहयोग करूंगा, और मुंबई और ठाणे में जो मेरे खिलाफ मामले चल रहे हैं उसमें जांच में सहयोग करने के लिए मैं जल्द मुंबई जाऊंगा, यह बात भी उन्होंने साफ कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका यह कहना है कि जो उन्होंने खत लिखा था मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था अनिल देशमुख के खिलाफ, जो उनका कहना था कि सचिन वाजे ने उनको कहा था, हालांकि उनके पास उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन सचिन वाजे के ने जो उनको कहा उसके आधार पे उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उन पर इस तरीके के मुकदमे, उनके खिलाफ केसेस दर्ज होना ये शुरू हुआ था। उसमें से एक केस में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार भी घोषित कर दिया गया था, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाले गए थे और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जब उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि उनका यह कहना था कि जानबूझकर उनके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उनको प्रोटेक्शन मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसीलिए न्यायपालिका का आदर करते हुए वो अब इस जांच में शामिल होंगे और जल्द मुंबई लौटकर जांच का सामना करेंगे, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। साहिल, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे। आज दंगल में हमारा सवाल ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों का साथ अखिलेश यादव को मजबूत बनाएगा, और इस बीच हम एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 30 मिनट की